वेरी वेरी केयरफुल. अब हम फॉर्मेट ऑफ नोटिस के पास जाते हैं. मैं आपको एक क्विक नोटिस का फॉर्मेट बता देती हूँ कि हमें नोटिस हमारा वो कैसे दिखता है. सो आई हैव दिस नोटिस विथ मी एंड ये नोटिस अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन कनेक्शन विद द असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर सो एंड सो. जो भी आपकी असेसमेंट ईयर आपको आया है उसका, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश और कॉज टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर, समय दिया है उन्होंने, टाइम दिया हुआ है, द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड ओवर लीव. इसके नीचे एक एनेक्जर है, इस एनेक्जर के अकॉर्डिंग वो आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं. इस एनेक्जर को बहुत ध्यान से आपको देखना है, और एनेक्जर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन जो वो आपसे चाहते हैं. अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं है जिस टाइम तक उन्होंने रिप्लाई मांगा है, तो आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जितनी अवेलेबल है, बाकी आप उसके लिए थोड़ा टाइम मांग लीजिए. एंड आप रिप्लाई में लिख दीजिए कि आपको थोड़ा सा समय चाहिए, सो डेट आप बाकी की इन्फॉर्मेशन भी कोलेट करके या कलेक्ट करके या सिंक्रोनाइज करके आप उनको दे देंगे. तो पर रिप्लाई देना ज़रूरी है टाइम पर. आप हमेशा ध्यान रखिए डिपार्टमेंट के साथ आपको सारे कम्युनिकेशंस ऑन टाइम करने हैं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी वो टैब्स जो जिसमें आपको रिप्लाई फाइल करना होता है वो कैसे इनवैलिडेट हो जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं. तो अगर आप टाइम समय सीमा के बाद अगर आप उसमें कोई भी जवाब फाइल करने जाएंगे, कोई भी रिप्लाई सबमिट करने जाएंगे, तो इट वोंट अलाउ यू. इसीलिए टाइमली कंप्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्निश एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी तरीके से, मतलब प्रोप्राइटर या जो भी, जैसे भी आपको साइन करने, जो भी सिग्नेटरी हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके आपको उसका रिप्लाई देना है. एंड उसके बाद आपको उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, इफ़ यू हैव एन अकाउंट इन ई फाइलिंग वेबसाइट, जो कि आजकल सबके पास ही होता है. सो टिल सच एन अकाउंट इज क्रिएटेड बाय, असेसमेंट प्रोसीडिंग शैल बी कैरिड आउट ईदर थ्रू योर ईमेल अकाउंट और मैनुअली. ये ऑप्शन तो खैर मैनुअली तो तभी होता है जब आपका सर्च या सर्वे का केस है 153A 153C में, 132, 133 वाले अगर केसेस हैं आपके, तो वो उसमें आपका मैनुअली करते हैं. नहीं तो आप ऑनलाइन ई फाइलिंग ई प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं, एंड ऑनलाइन ही हम फाइल करेंगे. ऑनलाइन फाइल करना सबसे बेटर होता है आपके कंफर्ट जोन में, आपके कंफर्ट स्पेस में. तो अब मैं आपको रिप्लाई कैसे हम बनाते हैं, रिप्लाई का मैं आपको फॉर्मेट एक बार आपको फॉर्मेट की तरफ लेके चलती हूँ. दिस इज़ माय रिप्लाई. ये रिप्लाई मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, एंड मैंने आपको जो एनेक्जर दिखाया था वो काफ़ी बड़ा था, पर मैंने इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स में आंसर लिखा है, क्योंकि ये मेरे पास तब अवेलेबल था. उसके बाद मैंने नेक्स्ट रिप्लाई फाइल किया है और वो पूरा रिप्लाई था. तो मैं आपको ये आधा रिप्लाई इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप इसको फॉलो करें कि हमें टाइम से जमा करना है जितना रिप्लाई है. पार्शियल सबमिशन का उसमें ऑप्शन आता है, मैं आपको ऑनलाइन लेके चल रही हूँ. दिस इज़ दी पोर्टल. पोर्टल पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में ई प्रोसीडिंग्स का टैब है. इसमें हमें जाके यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, फॉर योर एक्शन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली फॉर योर एक्शन में था ये पहले मेरा नोटिस, एंड फॉर योर एक्शन में ही आपको जाना है. तो मैं नोटिसेस देख रही हूँ, 142(1) का सबसे पहला नोटिस आता है. मैं ऑलरेडी रिस्पॉन्स जमा कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर व्यू रिस्पॉन्स का टैब एक्टिवेट हो रहा है. अगर मैंने रिस्पॉन्स जमा नहीं किया होता तो यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स का टैब एक्टिवेट हो रहा होता. सो आप यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स कर दीजिए, एंड उसके बाद आपको वो नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा. वहाँ पे आपको पार्शियल रिप्लाई का ऑप्शन पूछता है, पार्शियल रिप्लाई या फुल रिप्लाई. आपको पार्शियल रिप्लाई, अगर आपका पार्शियल पूरा नहीं है आंसर तो आप पार्शियल रिप्लाई कीजिए, नहीं तो आप फुल रिस्पॉन्स कीजिए एंड उसे सबमिट कीजिए. अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्लाई सबमिट करना टाइम पे ज़रूरी क्यों होता है, देखिए यहाँ पे ये डीएक्टिवेट हो चुका है ऑप्शन. जैसे ही समय निकल जाता है, जो जिस ड्यू डेट में आपको वो रिप्लाई सबमिट करना होता है, अगर वो समय निकल गया है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है सबमिट रिस्पॉन्स वाला बटन. तो यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स का बटन डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं इसमें कोई रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाऊँगी.
142(1) में मैंने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया था, अब मैं उसे देख सकती हूँ. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन आप सबमिट कीजिए. ये बहुत सिंपल है, आपको लॉगिन करना है, ई पेंडिंग एक्शंस में जाना है, ई प्रोसीडिंग्स में जाना है, एंड उसके बाद आपका काम हो गया. सो नाउ आई एम अगेन हियर. ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ रिप्लाई मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ईजीली मिल जाएगा. मैंने काफ़ी सारे रिप्लाइज बनाए हुए हैं, सैम्पल रिप्लाइज, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिप्लाइज हैं, छोटे रिप्लाइज हैं, बहुत बड़े रिप्लाइज भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर केस. आप मेरे इंस्टा मोजो के लिंक में उसे आप ले सकते हैं. आपका अगर कोई नोटिस आया है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिंक से कौन सा ड्राफ्ट आपको डाउनलोड करना है, तो आप मुझे नोटिस की कॉपी भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड मैं आपको बता दूंगी कि आपको उसका रिप्लाई कहाँ मिल जाएगा. सो दैट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपना रिप्लाई बनाना. जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू आर डन. बिना किसी हेसल्स के सिर्फ आप उस रिप्लाई को डाउनलोड कीजिए, उसमें अपनी डिटेल्स थोड़ी बहुत जो है उसे भर दीजिए, जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, एंड उसके बाद आप उसे अपलोड कर दीजिए, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस अभी अभी बताया है. उसके बाद भी अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या आपको साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको कुछ और क्वेरी है, तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा support@condesh.in पे. हम ऑलमोस्ट कोशिश करते कि हम सारे रिप्लाइज दें. वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड. लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हमें अपनी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपको इस वीडियो से जो बेनिफिट मिला है, उसको आप हमारे support@condesh.in पे ज़रूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लेकर आती रहूँगी, सो दैट आप अपनी छोटी छोटी क्वेरीज़ को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकें, एंड टास्क को बहुत सिंपल बना सकें. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, एंड बी केयरफुल विथ योर